हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार नाश्ता जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा है और बनाने में बहुत ही आसान है। और इसे हम बहुत ही कम समय में 2 चम्मच तेल से गेहूं के आटे में बनाकर तैयार करेंगे। और ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू। आलू को ठंडा होने के बाद इसका हम छिलका निकाल लिए हैं, और अब हम इस आलू को एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं या मैशर के मदद से भी मैश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर ली हूँ, और अब हम इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर। तो यहाँ पर सब्जी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सब्जी को बारीक काट के डालना है। तो अब हम इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, और इसी के साथ इसमें हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अनुसार ही डालिएगा। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/6 चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसी के साथ इसमें हम ऐड कर देंगे 1/6 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला अगर नहीं है तो इसके जगह पर आप आमचूर पाउडर या आधा नींबू के जूस इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इस नाश्ते में पिज़्ज़ा के टेस्ट देने के लिए 1 चम्मच ऑर्गेनो डाल दिए हैं। आप इसके जगह पर पिज़्ज़ा सीजनिंग या पिज़्ज़ा हब्स भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम ले लिए हैं 2 चीज़ के क्यूब, इसे भी हम इस नाश्ते में ग्रेट करके डाल देंगे। इससे नाश्ता का जो टेस्ट है ना, बहुत ही अच्छा आएगा पिज़्ज़ा की तरह। तो बच्चों को चीज़ वाला फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसमें हम 2 चीज़ के क्यूब ग्रेट करके डाल दिए हैं। और नाश्ता को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच सूजी डाल दिए हैं। सूजी से नाश्ता बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। और अगर सूजी नहीं है तो इसके जगह पर आप 1 चम्मच चावल के आटा या अरारोट डाल लीजिएगा। और अब हम यहाँ पर ले लिए हैं बाइंडिंग के लिए 1 कप गेहूं के आटा, जिस आटा से रोटी बनाते हैं ना वही वाला आटा है। तो इसमें से हम 1/2 कप आटा इसमें डाल दिए हैं, और 1/2 कप आटा को हम साइड में रख देंगे। ज़रूरत लगेगा तो उसे हम डालेंगे ज़रूरत के अनुसार से। पहले हम इसको इस तरह से हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। बिना पानी डाले हुए इसे मिलाते हुए डो फॉर्म में ले आएंगे, क्योंकि इसमें हम आलू डाले हुए हैं ना, तो आलू के मॉइस्चर से ही ये डो फॉर्म में आ जाएगा। और अगर डो हाथों में चिपक रहा है तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, और इस तरह से मिलाते हुए इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। इसमें 1/2 कप आटा लगा है डो बनाने के लिए, और 1/2 कप आटा जो बच गया है उसको हम साइड में रख दिए हैं। और हाथों को धुलकर हाथों में ऑयल लगा लिए हैं ताकि ये डो हाथों में चिपके नहीं। और इसमें से हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हथेली पर रखेंगे, और इस तरह से हथेली से दबाते हुए इसे हम टिक्की के शेप दे देंगे। इसके बाद हथेली पर घुमाते हुए इस तरह से इसके किनारे को चिकना कर लेंगे, और ये देखिए बहुत ही प्यारा से इसका शेप आ गया है, मिनी पिज़्ज़ा के तरह। तो इसी तरह से हम बाकी सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम सभी को बना लिए हैं, बहुत ही प्यारा है देखने में लग रहा है। तो चलिए अब इसको लेकर हम चलते हैं गैस के तरफ। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, यहाँ गैस पर हम रख लिए हैं एक पैन, और इसमें हम डाल लेंगे 2 चम्मच तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और अब हम इस पैन को घुमाते हुए इस तेल को पूरे पैन में फैला लेंगे। आप यहाँ पर पैन के जगह पर कढ़ाई या तवा भी ले सकते हैं। और गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे।
जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें जो हम नाश्ता बनाए हैं उसे एक एक करके सावधानी से इस पैन में डाल लेंगे। जितना एक बार में इस पैन में आ सकता है उतना डाल लेना है। और हाँ, ध्यान रखिएगा इसे डालते ही नहीं पलटना है, डालने के थोड़ी देर बाद एक एक करके हम इसे पलट लेंगे और पलट कर इसको हम दूसरे साइड भी पकने देंगे। गैस के फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है, हाई या लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए सभी साइड गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है सभी साइड से और क्रिस्पी भी हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी सभी को बना लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।